और देखिए एक ये सीन लगा है मूवी में, यहाँ से अभी यहाँ पे जो है वाटरफॉल चालू है, मूवी में चालू नहीं था। तो एक नज़ारा यहाँ का है, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी। तो आज मैं पहुँचा हूँ राजस्थान के जोधपुर सिटी में, और यहाँ पहुँचा हूँ जसवंत थाड़ा पैलेस। तो ये आप देख सकते हैं पीछे, ये जसवंत थाड़ा पैलेस है, और जसवंत थाड़ा पैलेस के जस्ट सामने ये आप देख सकते हैं, ये पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट है। तो जसवंत थाड़ा पैलेस में और मेहरानगढ़ फोर्ट, इन दोनों जगहों पर हम साथ साथ हैं मूवी का एक गाना शूट हुआ है। वो गाना है मारे हेबड़ा में नाचे मोर, ऐसा है कुछ गाना, तो वो इन दोनों जगह पर शूट हुआ है। और जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, यहाँ पर तेरे नाम मूवी का एक गाना शूट हुआ है, ओढ़नी चुनरिया कैसा करके कुछ, ओढ़नी ओढ़ के नाचो, वो गाना शूट हुआ है यहाँ पर। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको वो लोकेशन जहाँ पर हम साथ साथ हैं मूवी का गाना शूट हुआ है। तो पहले हम चलते हैं जसवंत थाड़ा पैलेस में, यहाँ का सीन दिखाते हैं, और उसके बाद चलेंगे हम मेहरानगढ़ फोर्ट में। तो गाने में जो है पहले मेहरानगढ़ फोर्ट को दिखाया गया, उसके बाद में जसवंत थाड़ा को। लेकिन जब हम इधर से निकलते हैं तो पहले जसवंत थाड़ा आता है रास्ते में, उसके बाद आता है फिर मेहरानगढ़ फोर्ट। तो मैंने सोचा पहले आपको जसवंत थाड़ा दिखा दूँ, और उसके बाद चलेंगे हम मेहरानगढ़ फोर्ट में। तो अभी शुरू करते हैं और चलते हैं जसवंत थाड़ा में। और देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे गेट है, दिख नहीं रहा पीछे। तो यहाँ पे एंट्री है सुबह 5 बजे से और शाम को 7 बजे तक, और 5:30 से 7:30 तक है। इसलिए इसमें ग्रीष्मकाल और जो है सर्दियों के मौसम अलग अलग हुए हैं टाइमिंग। और इधर यहाँ पे देखिए जब हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे एक प्रतिमा लगी हुई है, ये तो थोड़ा दूर है, चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। और अभी मैं जसवंत थाड़ा जो महल है उसके काफ़ी करीब पहुंच गया हूं। तो मैं यहां पे शूट कर रहा था वीडियो इससे सेल्फी स्टिक से, तो गार्ड साहब आए, उन्होंने मना किया, बोले आप सेल्फी स्टिक से यहां पे वीडियो नहीं बना सकते, नहीं तो 5,000 रुपये की पेनल्टी है। तो भाई अगर आप यहां पे कभी आओ देखने के लिए तो सेल्फी स्टिक का यूज़ ना करें। तो मैं भी वैसे बना रहा हूँ हाथ में मोबाइल पकड़ के। तो दिखाते हैं यहाँ का सीन। तो फिल्म के सीन तो आपने देख लिए होंगे, काफ़ी सारे सीन जो हैं फिल्म में दिखाए गए हैं, बट मैं आपको पहले यहाँ का बाहर का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ, बाहर से काफ़ी सुंदर है, और उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। तो एक बार नज़ारा देख लो आप यहाँ का चारों तरफ का। ये जसवंत थाड़ा पैलेस है, इसके पीछे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और पीछे इधर पहाड़ हैं। अभी हम यहाँ से एंट्री लेने वाले हैं, तो चलते हैं और दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। अभी सुबह के 8:45 बजे हैं, और जसवंत थाड़ा पैलेस में एंट्री का टाइम जो है 9 बजे से शाम को 6 बजे तक का है। वैसे जसवंत थाड़ा पैलेस जो है काफ़ी बड़ा है, ये यहाँ पे जो महल में एंट्री का टाइम है 9 से 6 का, अंदर आप आ सकते हो 5 से 7 के बीच में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एंट्री का जो है चार्ज लगता है, अगर आप भारतीय हो तो भारतीय का 30 रुपये का टिकट है, और अगर फॉरेनर कोई है तो उसके लिए 50 रुपये का टिकट है यहाँ का। तो यहाँ पे मेन गेट पे जो है गार्ड साहब बैठे थे, उनसे मैंने पूछा यहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं देखने लायक, तो उन्होंने 4 जगह के नाम बताए। एक तो इसमें यह है जसवंत थाड़ा, दूसरा है मेहरानगढ़ फोर्ट, और तीसरा है मंडोर महल, और चौथा है उम्मीद भवन। तो ये चारों जगह पे फिल्मों की काफ़ी शूटिंग होती है। इन चारों जगहों को मैं आपको बताऊँगा, चारों जगहों का करीब 4 वीडियो तो बनेगा ही भाई। तो जोधपुर के 4 वीडियो बनेंगे मेरे यहाँ पे, चारों जगह को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि सभी जो जगह हैं सभी में कुछ ना कुछ खास है। और अभी हम चलते हैं ऊपर, वहाँ पे जो प्रतिमा लगी हुई मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाई थी, तो प्रतिमा लगी है जोधपुर के महाराजा थे, महाराजा उनका नाम था राव जोधा ही था ना नाम, तो वो जोधपुर के महाराजा थे राव जोधा, तो उनकी प्रतिमा लगी हुई है। तो पहले वहीं चलते हैं, तो कुछ वहाँ का सीन लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर खुलने में टाइम है, थोड़ा वहाँ का भी सीन दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर नीचे आते हैं। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी अश्वरूढ़ प्रतिमा का अनावरण, तो ये जो हैं महाराजा राव जोधा जी, ये जोधपुर के संस्थापक थे, इन्होंने जोधपुर शहर को बसाया था। तो फ्रंट से और दिखा देता हूँ नज़ारा। सो नज़ारा ये है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ से देखिए ये दिख रहा है मेहरानगढ़ फोर्ट, और ये है जोधपुर सिटी, ये देखिए बहुत ही शानदार जगह है ये। और उधर सामने आपको दिख रहा हो तो छोटा सा महल दिख रहा है, ये है भाई उम्मीद भवन, तो ये हम कल जाएंगे। और अभी हम आ चुके हैं अंदर, ये देखिए यहाँ 15 जहाज ही पड़ी है, और ये है जसवंत थाड़ा पैलेस जो है, यहाँ पे देखिए कुछ फॉरेनर भी आए हैं घूमने के लिए। ये देखिए बाहर से गेट बना हुआ है ऐसा, और ये सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर जाने के लिए, बहुत ही शानदार लगा है इधर से।
तो अभी चलते हैं ऊपर। पहुंच गए हैं अभी हम ऊपर। ये देखिए इधर का नज़ारा और यहाँ से इधर का सीन भी देख लीजिए थोड़ा। और अभी हम चलने वाले हैं ऊपर। ये देखिए काफ़ी सुंदर गार्डन बना हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए ये है जसवंत थाड़ा पैलेस जो है। यहाँ पे तीन साइड में सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। और ये सामने देखिए फव्वारा चल रहा है यहाँ पे। और ये सीन है फ्रंट से, ये देखिए पूरा नज़ारा। अब मैं आपको यहाँ से आगे दिखाऊंगा मूवीज़ के स्क्रीनशॉट जो हैं, जो गाना शूट हुआ है यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट। तो ये आप देख सकते हैं मूवी में एक सीन यहाँ से लिया गया है, हीरोइन जब सीढ़ियों से उतरती है तो एक सीन यहाँ का है। ये आप देख सकते हैं नीचे लगे स्क्रीनशॉट में। बाकी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ अब। ये देखिए इधर से। और दूसरा वाला सीन लिया गया है नीचे से, यहाँ पे छतरी नुमा बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे। और अभी नीचे नहीं गया हूँ मैं, एक सीन यहाँ से लिया गया है। ये देखिए स्क्रीनशॉट में यहाँ का है एक सीन। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में पूरा नज़ारा। एक सीन यहाँ का है, ये नीचे चार छतरी बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ऊपर जो महल है उसका भी सीन आ रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी पेड़ वेड़ और लग गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पेड़ लगा हुआ है और काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। हालांकि सीन जो है यहीं का नीचे का ही। और भी यहाँ के नीचे एक दो सीन और हैं, वो मैं देखता हूँ स्क्रीन शॉट में पहले कहाँ से लिए गए हैं। और एक सीन जो यहाँ से लिया गया है, ये देखिए चारों छतरी उसमें दिख रही हैं और ये छोटी वाली छतरी भी दिख रही है। हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी पेड़ लग गए हैं और यहाँ पे देखिए भी काम चल रहा है, पत्थर पड़े हुए हैं। ये नज़ारा है यहाँ का। और जस्ट पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जसवंत थाड़ा पैलेस है और इसके पीछे ये पहाड़ी हैं। लेकिन सीन जो है मूवी में यहाँ से है ऐसे। और अभी हम आ गए हैं जसवंत थाड़ा जो पैलेस के कॉर्नर में। और ये देखिए भाई ये है पूरा जोधपुर। ये देखिए नज़ारा जोधपुर का। और पीछे मेहरानगढ़ यहाँ से दिख ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं इस वीडियो की शुरुआत से ही। तो अभी वीडियो समाप्त नहीं हो रहा है भाई, वीडियो देखते रहें। अभी तो आधे गाने की शूटिंग लोकेशन देखिए आपने, आधे गाने की शूटिंग लोकेशन तो मेहरानगढ़ फोर्ट में। गाना जब शुरू होता है हाथी पर बैठ के निकलते हैं हीरो हीरोइन लोग, चलेंगे वहाँ पर दिखाएँगे। यहाँ का एक सीन रह गया है जो अंदर से लिया गया है, तो चलते हैं अंदर देखते हैं। वैसे काफ़ी खूबसूरत जगह है, आओ ना तो देखना, मन एकदम रोमांटिक हो जाएगा। चलते हैं अंदर। तो अभी हमने गाना सुना है, बहुत ही प्यारा गाना है। और मारे हिबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। बदला मौसम बदले नजारे या बदला है नजरिया, मारे हिबड़ा में, मारे हिबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। चलते हैं लास्ट का सीन दिखाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट। सो मूवी का एक सीन यहाँ से लिया गया है, पीछे पहाड़ी भी दिख रही है। तो ये सीन रह गया था हमारा लास्ट का। तो ये ऐसा है भाई, ऊपर से ऐसा है और नीचे से, तो आपने मूवी में भी देख ही लिया होगा। और यहाँ से कैमरा घुमा देता हूँ मैं, ऐसा है ये। और अभी हम यहाँ पर जब आ ही गए हैं तो थोड़ा अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाते थे, अंदर से कैसा है क्या है इसमें। तो अंदर चलते हैं यहाँ से। ये देखिए अभी तो अंधेरा दिख रहा है, हाँ अब उजाला हो गया। तो अंदर से ऐसा है, और ऊपर तक घुमा देता हूँ मैं। और देखिए यहाँ पे राजा महाराजाओं की फ़ोटो लगी हुई है। चारों तरफ इसमें राजा महाराजाओं की फ़ोटो लगी हुई है भाई। और देखते हैं अंदर इसमें क्या है भाई। तो अभी तो इसमें बस ये दो राजाओं की जो मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति नहीं है मतलब इनकी फ़ोटो लगी हुई है भाई। यहाँ पे भी दो तीन फ़ोटो ही लगी हुई हैं। तो यही नज़ारा है यहाँ का। तो अभी यहाँ का अंदर का नज़ारा ये है।
यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से गेट से हम अंदर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई हैं और चारों तरफ की फ़ोटो लगी हुई हैं, दिखाई थी आपको। तो यहाँ पे सन 1250 से लेकर और इधर लास्ट में 1918 तक जितने भी राजाओं ने शासन किया था उन सब के यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मुझे लगता है ये शायद राजा महाराजाओं को जो दफनाया जाता था या फिर उनको जलाया जाता, हाँ, जो दाह संस्कार होता था वही जगह है। तब यहाँ पे सारे फ़ोटो लगे हुए हैं और जस्ट सामने भी लगे हुए हैं, तो यहाँ का नज़ारा ये है। और अभी यहाँ से हम निकलते हैं और मिलते हैं सीधा मेहरानगढ़ फोर्ट में। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार, वो ये है। ये देखिए, ये बेड बिछा हुआ है यहाँ पे, तो ये मैंने पहली बार देखा है, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ बेड। तो ये आप देख सकते हैं, संगमरमर के पत्थर का बेड है ये। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपने भी कभी पत्थर से बना हुआ बेड देखा है या नहीं देखा। तो अभी निकलते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। और यहीं पे पास में ये देखिए, यहाँ पे ब्लू कलर में कुछ घर रंगे हुए हैं, इसलिए इसको ब्लू हाउस बोलते हैं और इसको सन सिटी भी बोलते हैं। कल हम जब जोधपुर आए थे तो कल मैं और ये आए थे, मेरे साथ हैं घुमक्कड़ राइडर, तो हम दोनों कल जयपुर से आए थे। तो वहाँ पर लिखा हुआ था रेलवे स्टेशन पर आई लव सन सिटी, तो तब मुझे डाउट था यार सन सिटी इसको क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है। तो अभी हमें यहाँ पे एक भाई मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ब्लू कलर में घर रंगे हुए हैं इसलिए जयपुर, जैसे जयपुर में जो है पिंक कलर से सारे घर रंगे हुए हैं इसलिए उसको पिंक सिटी बोलते हैं, इसी तरह यहाँ पे ब्लू कलर में घर जो है रंगे हुए हैं इसलिए इसको सन सिटी बोलते हैं। और अभी किले के ऊपर चल के दिखाते हैं ऊपर से नज़ारा कैसा आता है, तो अभी चलते हैं ऊपर। ये है मेहरानगढ़ फोर्ट का जो मेन गेट, यहाँ से भी हम एंट्री लेने वाले हैं। ये देखिए पूरा महल, तो मुझे नहीं पता मतलब फिल्म में जो है किस प्रकार के सीन दिखाए गए हैं, वो मैं अंदर जाके सर्च करूँगा, देखूँगा कौन कौन से एंगल से शूटिंग की हुई है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को उस एंगल से देखना कि आप किसी ऐतिहासिक महल को देख रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा और शानदार महल है ये। यहाँ से चलते हैं भी अंदर, यहाँ से लेते हैं एंट्री। ये है पूरा अंदर का महल और यहाँ पे टिकट मिलता है तो टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। अभी हम यहाँ से अंदर आए थे, ये देखिए भाई अंदर का नज़ारा क्या शानदार है भाई, ये देखिए। और ये देखिए नज़ारा बहुत ही गजब का। और अभी हम काफ़ी अंदर आ गए हैं, ये देखिए यहाँ से एंट्री करते हैं और फिल्म का सीन भी अंदर ही फिल्मा गया है यहाँ पे। तो थोड़ा यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ नज़ारा, ये नज़ारा है। तो अभी इधर चलते हैं, चलते हैं अभी और ऊपर कि यहाँ पे लिखा हुआ है राव जोधा जी का फलसा। भाई अभी मूवी के सीन मिले नहीं अभी। और ये देखिए, ये देखिए भाई काफ़ी ऊंचाई पे आ गए अभी हम। तो फाइनली अभी हमें वो सीन मिल गया है जो मूवी में शूट किया था ये वाला। हम काफ़ी देर से नीचे से देख रहे थे कि काफ़ी नीचे से हम आए थे, बट अभी मिला है तो दिखाते हैं। देखिए एक सीन जो है यहाँ से लिया गया है, ये तो क्लियर आपको दिख ही रहा होगा, पीछे जो उसमें एक छतरी नुमा जो बनी हुई है वो भी दिख रही है मूवी में, यहाँ का सीन है वो। ये ऊपर जालीस लगी हुई है, पहले वाइट कलर की थी और अभी ये येलो कलर में रंगे हुए हैं, तो यहीं पे मोर बैठता है और ऊपर का सीन भी आ रहा है उसमें महल का। और यहाँ से जो है हाथी पे बैठ के निकलते हैं वो लोग।